हल्द्वानी के लालकुआ में वन अनुसंधान केंद्र ने फाइकस गार्डन विकसित किया है, जो कि उत्तराखंड का पहला फाइकस पार्क है, जिसे जल्द ही लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें फाइकस की 150 दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। वन अनुसंधान केंद्र द्वारा मैदानी और पर्वतीय इलाकों के साथ ही अंडमान निकोबार, मेघालय, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत तमाम क्षेत्रों में उगने वाले 121 फाइकस प्रजाति के पौधों को संरक्षित किया गया है, जिनमें से कई ऐसे पौधे हैं जो विलुप्त प्राय हैं। वन विभाग द्वारा स्थापित फाइकस पार्क में पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, श्रीकृष्ण पीपल, अंजीर समेत तमाम प्रजातियां रोपी गई हैं। वर्तमान में फाइकस पार्क लोगों का आकर्षण का केंद्र बनने लगा है। देखिए, फाइकस अपने आप में एक जीनस है, बहुत बड़ा जीनस है फाइकस में। उसमें बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, जैसे मुख्य रूप से जो आम लोग जानते हैं वो बरगद को जानते हैं, पीपल को जानते हैं, गुलर को जानते हैं, आपके पाखड़ को जानते हैं, पिलखन को जानते हैं, बेड़ू है, तिमला है, अंजीर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फाइकस की प्रजातियाँ हैं, जो सब प्रजातियाँ हैं वो यहाँ पर पूरी स्थापित की गई है। तो एक जगह पर इतना बड़ा कलेक्शन, ये अपने आप में एक अनूठा है, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि जिसको हमने यहाँ पर लालकुआ में स्थापित।